तीसरे दिन के खेल के बाद इंग्लैंड 154 रन से आगे, बड़ा ही अच्छा दिन था इंग्लैंड के लिए। एलिस्टर कुक और जो रूट बड़े ही अच्छे लग रहे हैं क्रीज पर। अजीत, चलिए बात करते हैं इस दिन के बारे में। इंग्लैंड बड़े ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, और जैसे भारत ने शुरुआत की, आज जडेजा और हनुमा विहारी जो अपना डेब्यू कर रहे थे, दोनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, भारत को उस स्थिति में पहुंचा दिया था कि 40 रन का लीड था। बट पिच बहुत स्लो और अच्छी हो गई है, तो शुरू में नए बॉल से भारत को विकेटों की ज़रूरत थी जो मिले नहीं। उसके बाद एलिस्टर कुक इतने सालों से जैसे खेलता है वैसे ही अपनी इनिंग उन्होंने बिल्ड की और इंग्लैंड को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया है। कहना होगा कि जडेजा और हनुमा विहारी ने एटलीस्ट भारत को थोड़ा सा मौका दिया था कि सिर्फ 40 रन की लीड बढ़त उनको मिली थी इंग्लैंड को, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने शाम तक ये कर इतना काम कर दिया या मेक श्योर किया है कि लीड अच्छा हो और 8 विकेट हाथ में। तो कल भारत को अगर पहले एक या डेढ़ घंटे में 4 या 5 विकेटें नहीं मिलती तो ये मैच भारत के हाथ से निकल गया। बड़ी अहम साझेदारी थी विहारी और जडेजा के बीच, 77 रन की साझेदारी जो थी। चलिए जडेजा के बारे में बात करते हैं। पहला इनिंग्स खेल रहे हैं इस टेस्ट में, काफ़ी समय उन्होंने बेंच पे बिताया है। इस तरह की जिम्मेदार इनिंग्स जैसे उन्होंने खेली, मैंने तो पहले कभी नहीं देखी, याद नहीं आती जब भारत ओवरसीज जाता है, और ओवरसीज मतलब श्रीलंका नहीं लेकिन ओवरसीज जब सब कॉन्टिनेंट के बाहर जाता है, यूजुअली हम देखते आ रहे हैं कि जडेजा थोड़ा सा तेज़ खेलने की कोशिश करते, रन जल्दी बनाने की कोशिश करते, कभी कभी गलत शॉट खेल जाते उस चक्कर में, लेकिन आज बिल्कुल, क्योंकि सामने हनुमान विहारी जो डेब्यूटेंट थे उन्होंने कल थोड़ा सा नर्वस दिखे, लेकिन आज जैसे उन्होंने शुरुआत की, फॉर्चुनेटली जडेजा बिल्कुल ठंडे दिमाग से उन्होंने बल्लेबाजी की और बॉल उन्होंने छोड़े बहुत, जो स्विंग हो रहे थे शुरू का जो स्पेल था एंडरसन और ब्रॉड का, बहुत अच्छा स्पेल था दोनों का, वो बॉल जब छोड़ते गए तो कॉन्फिडेंस भी आता गया, और उनके पास शॉट खेलने की एबिलिटी तो बहुत है। जब एक बार सेट हो गए थे और पिच थोड़ी अच्छी पिच है अभी भी बल्लेबाजी के लिए, तो फिर बाद में उनके शॉट अपने आप लगने लग गए, तो ये बहुत अच्छी साइन है भारत के लिए अगर जडेजा ऐसी इनिंग खेल सकते हैं, क्योंकि उनके पास एबिलिटी बहुत है। लीड जैसे मैंने कहा 154 की ऑलरेडी हो गई, हमने देखा है कि 200 से ज़्यादा फोर्थ इनिंग्स में भारत को हमेशा मुश्किल चेस करने को होता है, तो आप क्या कहेंगे, जीत अभी नज़र नहीं आ रही है भारत के? जैसे मैंने कहा, अगर सुबह के एक डेढ़ घंटे में भारत को 4-5 कहना चाहूँगा, लेकिन ज़्यादा ही, क्योंकि इंग्लैंड के नीचे के बल्लेबाज भारत को तंग करते आ रहे हैं, लेकिन मिनिमम 3 या 4 विकेटें उनको पहले एक घंटे में मिलना ज़रूरी है, क्योंकि रन रुकने वाले नहीं है जैसे उनके बल्लेबाज जो आ रहे हैं, बॉल पुरानी हो गई है और विकेट अभी स्लो है, तो विकेट्स अगर नहीं मिले भारत के लिए तो अगले 2 सेशन बहुत मुश्किल होंगे, और फिर 4 सेशन या 3.5 या 4 सेशन उनको बल्लेबाजी करने होगी जहां पिच और स्पिन होने लग जाएगी, तो मुश्किल हो सकती है। एक बार 250 के आगे अगर इंग्लैंड निकल गई तो ये मैच ऐसे ही मुझे मुश्किल लग रहा है भारत के लिए, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद जो है अगर विकेटें सुबह मिली तो। चलिए धन्यवाद अजीत हमारे साथ ESPN क्रिकिनफो मैच डे पर जुड़ने के लिए। देखते हैं कि चौथे दिन पर पहले सेशन में अगर भारत कुछ कमाल दिखा पाए, नहीं तो इंग्लैंड बड़ी ही मजबूत स्थिति में है। If you liked what you just saw and want more, click here to subscribe.